राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में मुंबई की एएमएल कंपनी के कर्मचारियों के बयान दर्ज कराए गए हैं। एसटीआई के करीब 10 घंटे तक 6 कर्मचारियों से एसआईटी ने जो है पूछताछ की। अभी तक की पूछताछ में पुलिस को पर्चा अपलोड कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस ने लैपटॉप भी जब्त किया है जिनकी फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच कराई जा रही है। साथ ही अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें ग्वालियर में 7 फरवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के दूसरी पाली का पर्चा लीक करने वाले 8 आरोपियों को ग्वालियर पुलिस की टीम ने पकड़ा था। अभी तक इस मामले में कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 3 फरार है, जबकि 1 आरोपी को जमानत दी गई है। मामले में जब स्ट्रेटेजिक एयरलाइंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दिल्ली स्थित ऑफिस में अधिकारियों से क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की तब बताया गया कि मुंबई की एमएलआई कंपनी को इन लोगों ने पर्चा अपलोड करने की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके बाद मुंबई की एमईएल कंपनी कटघरे में आ गई। इसके चलते एमईएल कंपनी के मुंबई दिल्ली भोपाल में काम करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। पुलिस ने एमईएल दिल्ली स्थित कार्यालय में कार्य करने वाले राज सिंह चौहान, दीपक श्रीवास्तव और एमईएल अंतस नौमानी से जो है ग्वालियर बुलाकर चर्चा की। एनएसएम में एक एसआईटी गठित की गई है जिसमें लगातार कार्रवाई चल रही है और इसमें जो तीन अज्ञात जो ज्ञात लोग हैं जिनके बारे में क्राइम ब्रांच लगातार दबिश दे रही है और इसमें जो आरोपी हैं तीन लोग आरोपी के उनमें से किसी के भी एक के पकड़े जाने से काफ़ी आगे बढ़ेगी। फिलहाल इसमें स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं जो कंपनियाँ जो एमईएल है और सैम्स कंपनी उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।